और वो सोल ऑनरशिप आप हमारे पास है और वो है हमारी नियत। इन्ना माला माल नहीं, जैसे आपकी नियत होगी अपने लिए दूसरे के लिए फिर वैसे हालात अजमा हो गए। मेरे बच्चे कहते हैं मैं इसलिए उम्मीद रह गई क्योंकि मजबूर हूँ क्योंकि वो कैलाशी है, ना ही मन मन बुला लिया तो मैं अंदर हो जाऊँगा क्योंकि वहाँ पेरेंट्स बड़े ओबीडियंट होते हैं। तो लेकिन वहाँ दीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझेंगे कि आप बड़े अल्लाह वाले हो या ना, वहाँ नहीं है। वहाँ तो दीन के बाद सभी दुनिया में बनाई बहुत फिर आदम रखा है, उनकी तमाम तर फोकस दुनियादारी पर। इकबाल का शेर है ना कि काफिर की ये पहचान कि आप पाक में हैं, मोमिन की ये पहचान के तुम उसमें आ पा। उनका मिंता आई माई मी से स्टार्ट होते हैं, आई माई पे खत्म हो गया, लेकिन आप अभी फेयर है क्योंकि अगर मैं फेयर नहीं होगा तो आप भी फेयर नहीं होगा। दीन के खौफ से नहीं, सिर्फ म्यूचुअल म्यूचुअल गेम के लिए। तो वहाँ खालिश तक जो शोर है ना मटीरियल सारा जो है वहाँ आई माई पे, ये वर्ष का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ माँ बाप ज्यादा कुत्ते बीजे पे खर्च करते हैं, कुत्ते की सालगिरह बनाते हैं, माँ बाप को 250 रुपया मरने आपने विश्वास जाइए जरूर देखिए, बड़ी अच्छी जगह है, बेस्ट फॉर विजिट, सुपर बेस्ट फॉर एजुकेशन एंड बेस्ट फॉर गंदगी के ढेर में बैठे होंगे बदबू आई है। अब मैं जो आपको वीर दिखा रहा हूँ मेरी कैसे इंसान की कहानी है कि जिससे मुख्तिल व हकूमतें मिलाती हैं अपने यहाँ, इसकी ज़िंदगी जो फिल्में बनती हैं और वो उसके रूप में दिखाई जाती है। इसका नाम है निक बोजी, ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन था लेकिन बाद में अमेरिका सेटल डाउन हो गया, लेकिन पूरी यूरोप में फिल्म रहता है। ये पैदाइशी तौर पर हाथों से भी मैनों में टांगों से, और इसने पी एच डी की पढ़ाता है, वो भी कॉलेज स्कूलों में जाते रहता है। ही हिमसेल्फ में लिविंग एग्जाम्पल, और जो कुछ इसने जिंदगी में अचीव किया यूमान जी मैं दे रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव आदमी था, इसने कहा नो आई कैन मेक इट, मेरे पास मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये सोचता हूँ आई थैंक गॉड कि मेरे पास अभी ये चीज मौजूद है, थोड़ा सा सही लेकिन इट इज देयर, आई कैन थिंक आई कैन सी। और दुनिया ने इस पर नमाज इंडिया ने इसे बुलाया, 3.0 बुलाया और फिर मल्टीबिलियनर लोग इसलिए नहीं भीख नहीं मांगे गए, इसके सेमिनार में लोग 10-10 हजार डॉलर देकर से बुलाते हैं और करते हैं कि जो कहता है बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई है क्योंकि खुद एग्जाम्पल है। अब जब सब कुछ इसने अचीव कर दिया तो किसी ने इसने कभी नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में रिग्रेट है। एक सेमिनार में इससे कहा गया, पूछा है कैनेडा में कि तेरी जिंदगी में कोई तो रिग्रेट हो गया तुम कम पाले होता है, हाँ एक रिग्रेट क्या कि कभी मैं शादी नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे हाथ नहीं है, मैं अपनी दुनिया का मुकम्मल कैसे करूं, तो मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता इसलिए मैं शादी नहीं, तो वहाँ एक लड़की उठी उसने कहा आई विल बी योर हैंड और उसकी शादी की। उसके बाद जब उसे ये मिल गया तो उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, मैं इंसानों के लिए क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार के मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं ऐसे मोटिवेशनल गाने बनाऊं कि जो इंसानों को ये यकीन दिलाएं कि हालात और वाकया कैसे भी हो, कितने भी वर्स कंडीशन हो, देर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग इन द डार्कनेस। ये अगर इसका तर्जमा करें तो वही बंदा ला तकना तू मेरे रहमत अल्लाह की रहमत से कभी मायूसा, और उसने गाने बनाए कि मेरे बेटे ने मुझे भेजा अमेरिका से, इस पहला गाना है समथिंग मोर, और इसमें वो देखिए। और अगर आप यही एटीट्यूड की एटीट्यूड इन एक्शन कि देखिए
क्या करना है सुनिएगा और फिर उसके बारे में क्वेश्चन हुआ तो बता दीजिए तो बदले का खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं संगीत कभी बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी आप बदलेंगे कौमों में जब भी तब्दीली आती है वजह से आती है तो रेवोल्यूशन से या एवोल्यूशन से तो रेवोल्यूशन से इसलिए हमें का चांद दे दिया जो रेवोल्यूशनरी फिगर नहीं है नेल्सन मंडेला है खूमी दिया या तो सारे जो है आपने पता एवोल्यूशन से ही है कि आप बढ़े आपसे अगली नस्ल अगली नस्ल नस्लों में लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं आप अपना काम दयानतदारी से अदा करके अगली नस्ल को सौंप जाइए अपने बच्चों को दीजिए लेकिन पहले खुद बदलिए माओ के दल में कहा था पूरे चीज को बदलने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी मुझे अपने आप को बदलने में मिली है जिसने खुद गुड़ खाया वो दूसरों को कहना शुरू करेगा पहले आप खुद बदलिए आप बदल जाएंगे पूरी दुनिया बदल जाएगी तब्दीली का असर कायम हो जाएगा अब आइए आखिर में आपको क्लिप दिखाऊं समथिंग वो हालात का कहते हैं कि बारिश है सारे समुद्र में खड़ा हुआ एक शख्स है लाइट बंद कर दे लाइट बंद कर ये सारे समुद्र खड़ा हुआ है वो डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं और ये Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left?
Thank you.